एक अनमोल रत्न कहते हैं वो रहा नहीं, ये भारत का कोहिनूर हरपला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है ऐसा मैं कहूँगा। अरे मैडम फोन आ और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था, एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतनी इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका डाउन पर एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी रहनी उच्च विचार सर, और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया, उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे, और आज मैं यही कहूँगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी, और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है, स्वाभिमान है, उन्हें हमारे सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार, उनको कई पुरस्कार मिले, पद्मश्री, पद्मविभूषण और जो भी पुरस्कार उन्हें मिले, उनको देने से उस पुरस्कार की ऊंचाई बढ़ गई, ऐसे उनका कर्तृत्व था, और लाखों करोड़ों लोगों को खुद के पैरों पर खड़ा करने का काम उन्होंने किया। सिर्फ उद्योजक नहीं तो एक देश सेवा, देशभक्ति से प्रेरित हो ये व्यक्तिमत्व थे, ऐसा इंसान होना दोबारा मिलना ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, और इसलिए मैं उनको महाराष्ट्र सरकार की ओर से और महाराष्ट्र की तमाम 12.5 करोड़ जनता की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका आदर्श लेकर आगे बढ़ना, उनके आदर्शों पे चलना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित हो सकती है। 10 बजे से 4 बजे तक उनको NCPA में दर्शन के लिए लोगों के लिए ऐसा उनके रिश्तेदारों ने कहा है, उसके बाद आगे की अंतिम विधि।